हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो गूगल शीट को लेकर के बना रहा हूँ और गूगल शीट में आपको सिखाऊंगा एक आसान तरीका जिससे आप अटेंडेंस शीट बना सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये टिक मार्क बनाया हुआ है हमने। अब जितने भी जगह पर आपको टिक मार्क चाहिए उतनी जगह को आपको सेलेक्ट करना होगा। ये देखिए कैसे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लीजिए इतनी ही जगह पे हमें टिक मार्क चाहिए तो इसको सेलेक्ट करके आपको कहाँ चले जाना है, सीधा इंसर्ट पे चले जाना है और यहाँ पर चेकबॉक्स दिया हुआ है इसी पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो सेलेक्टेड पार्ट्स पे टिक मार्क बन जाएंगे, उस पर टिक कर लीजिएगा या अनटिक रखिएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटी सी अटेंडेंस शीट मैंने क्रिएट की है जिसमें पूरा संडे संडे को भी वर्क रहता है। ठीक है, मतलब ऑल डेज वर्क रहता है, 31 दिनों पूरे के पूरे 31 दिन काम रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 25 डेज प्रेजेंट डेज आया हुआ है। अगर मैं यहाँ से अनटिक कर देता हूँ तो ये 24 हो जाता है। अगर फिर यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर भी अनटिक कर देता हूँ तो ये 23 हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई देता रहे। ये देखिए 23 हो गया, इसको भी अनटिक कर दिया, ये 22 हो गया। जैसे टिक करेंगे तो ये 23 बन जाएगा, 24 देखिए ये 25 बन जाएगा, देख सकते हैं। तो ये कैसे हुआ इसी के बारे में बात करेंगे। तो अभी आपको टिक मार्क बनाना आ गया होगा, कैसे टिक मार्क बनाना है। सेलेक्टेड पार्ट में जाकर के इंसर्ट टैब पे जाएंगे और सेलेक्टेड पार्ट में जाकर के चेकबॉक्स पे क्लिक कर देंगे तो टिक मार्क बन जाएगा। अब ये टोटल प्रेजेंट डेज की क्या कहानी है वो बता देता हूँ। देखिए कैसे कैलकुलेट करना है। यहाँ पर रखना है कर्सर को, इज इक्वल टू काउंट इफ लगाना है। क्या लगाना है? काउंट इफ। काउंट इफ क्या करता है, कंडीशन के बेस पे काउंट करके हमें दे देता है वैल्यूज को। यहां से पकड़ना है इसको और फिर सेलेक्ट करते हुए, सेम रो में सेलेक्ट करते हुए हमें चले जाना है आगे की तरफ, यानी 31 दिन का अटेंडेंस हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा पूरा 31 दिन का अटेंडेंस यहाँ पे होगा रिकॉर्ड। तो यहाँ पे 31 तारीख तक पूरा हमें सेलेक्ट कर लेना है। ये एंटर करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सजेस्टेड ऑटो फिल आ रहा है, टिक पे कर दीजिए और यहाँ पे टोटल प्रेजेंट डेज आ चुका है। देख सकते हैं जिन जिन दिनों में ये एबसेंट रहे होंगे उन उन दिनों की प्रेजेंसी यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हुई है। और इसी तरीके से अन्य भी रोज में हुआ है, जो भी स्टूडेंट है उनके रोज में ऐसे ही हुआ है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको टोटल एब्सेंट डेज कैलकुलेट करना होता तब क्या करते। तो यहाँ कैलकुलेट ऑलरेडी किया हुआ है, फिर भी बता देता हूँ। यहाँ पे लिखिए काउंट इफ फिर से, ठीक है, और काउंट इफ लिखने के बाद वही चीज करना है आपको, सेलेक्ट करना है वापिस से। तो यहाँ से क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद यहाँ से सेलेक्ट करते हुए आ जाइए लास्ट तक, यानी 31 तारीख तक, पूरा 31 तारीख तक सेलेक्ट कीजिएगा, ना एक भी कम ना एक भी ज्यादा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये सेलेक्ट हो गया, कॉमा दीजिएगा, यहाँ पे दे दीजिएगा डबल डॉट कोट्स में फॉल्स, बस फॉल्स दे देना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है, एंटर करना है। यहाँ पर टोटल एब्सेंट डेज भी आपका कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे ड्रैग करवाएंगे नीचे तो सारी चीजें सारी डिटेल आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल डेज है तो टोटल डेज काउंट ए फॉर्मूले की मदद से मैंने कैलकुलेट किया। ये देख सकते हैं काउंट ए लगाइए और पूरा का पूरा जैसे सेलेक्ट किया था वैसे सेलेक्ट कर जाइए। तो ये आपकी अटेंडेंस शीट तैयार हो जाती है बहुत ही आसानी के साथ, 5 मिनट लगेगा इसको तैयार करने में। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।